ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं दोस्तों, बीजेपी ने अपने 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव 2024 में जो 100 लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की तरफ से, उनका नाम घोषणा हो गया है। और अब इस वीडियो में जो आपके लिए सबसे ज्यादा जानने की बात है, जरूरी बात है, वो है कि क्या मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट दिया है और कहां से दिया है और क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने मनीष कश्यप को चुनाव लड़ाने का, तो वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। उसी में सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है कि जो पवन सिंह है, भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार कहे जाने वाले, उनको भी बीजेपी टिकट दे चुकी है। और हमारे खेसारी लाल यादव जो एक समय कहे जाते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का जो 36 का आंकड़ा चलता था, तो उनको भी टिकट मिला है कि नहीं मिला। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर बिट्टू और मेरा दूसरा चैनल देख रहे हैं तो द सेस क्रिएशन। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बीजेपी ने पवन सिंह को टिकट दी है। कहां से भाई? तो वो आसनसोल से दिए हैं। आसनसोल कोलकाता और बिहार का बॉर्डर माना जाता है। आसनसोल से अभी के जो फिलहाल मौजूदा वर्तमान सांसद हैं वो है बॉलीवुड के एक समय के फेमस एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, जो हमारे बिहार के ही हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से जीते हुए हैं वो है कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस कह सकते हैं, यानी ममता बनर्जी उनकी पार्टी से वो जीते हुए कैंडिडेट है। बीजेपी का चाल समझिए। अब यह मैं क्यों बोल रहा हूं तो इसी से आपको मनीष कश्यप की बात समझ आएगी, इसलिए मैं पहले ये बात आपको समझाने जा रहा हूं, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। शत्रुघ्न सिन्हा भी एक पब्लिक फिगर है, जिसमें मतलब एक हीरो है, ऐसा समझिए कि वो एक हीरो है, और हीरो है और वो जीते हुए सांसद है ममता बनर्जी की पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी से। तो बीजेपी सोची कि क्यों न इसके, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिशन में, उनके विरोध में एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो भी पब्लिक फिगर हो, जो भी हीरो हो। पवन सिंह कह रहे थे कि मुझे आरा से टिकट मिलेगा, जो उनका जन्मभूमि है, तो वहां देखिए। हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इससे मनीष कश्यप की बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। जैसे पवन सिंह जो है वो आरा के हैं, तो उनको आरा से टिकट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि आरा से फिलहाल जो सांसद है वो जीते हुए सांसद बीजेपी का ही है। तो क्यों बीजेपी जो है फिर पवन सिंह को टिकट देगी आरा से, जब जीता हुआ कैंडिडेट है ही? तो पवन सिंह पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार जो है राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं, तो बीजेपी भी दिमाग लगा के ना चलेगी कि इसको इस जगह से खड़ा करा जाए जहां हमको जीत भी मिले और टक्कर का पार्टी भी हो। तो जैसे बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो आसनसोल से जीते हुए प्रत्याशी है, क्योंकि भैया उनके खिलाफ में जो खड़ा हुआ वो कोई हीरो नहीं था, तो सब शत्रुघ्न सिन्हा को जिता दिया, वो जीत भी गए। लेकिन अब बात आ गई बीजेपी आखिर करे तो क्या करे, तो बीजेपी ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं पवन सिंह जो हीरो है, भोजपुरी के गायक, मशहूर पावर स्टार कहे जाते हैं, अभिनेता है, उन्हीं को खड़ा कर दिया जाए उनके विरोध में, तब तो मजेदार होगा टक्कर। बस बीजेपी क्या किया, आसनसोल से पवन सिंह को खड़ा कर दिया। अब मजेदार बात आती है, चलिए मनीष कश्यप वाला बात जरूर सुनिएगा, उनको टिकट का क्या बात है सब प्रोसेस सुनिएगा। अब आती है बात खेसारी लाल यादव जी पे। अब खेसारी लाल यादव जी सोचते हैं कि पवन भैया तो चल गए राजनीति में, हम कहिया ला पीछे पीछे रहेंगे, हमहूँ तनका दिमाग लगाते हैं। तो देखिए क्या दिमाग लगाए हैं, पवन सिंह चले गए बीजेपी में, अब खेसारी लाल यादव जी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला। बीजेपी का जो 100 वो नाम जारी हुआ कि किनको किनको टिकट मिला है, उनका नाम जारी हुआ, उसमें खेसारी लाल यादव का नाम नहीं है।
तो खेसारी लाल यादव क्या दिमाग लगाए कि तेजस्वी यादव जी का तो गुणगान गा ही रहे हैं, 2 लाख नौकरी दी, 2.5 लाख नौकरी, तेजस्वी जी बहुत अच्छा काम किए, ये 17 महीने में बड़ा अच्छा काम किए। तो खेसारी लाल यादव जी सोचे कि चलिए तेजस्वी यादव जी की पार्टी में घुस जाते हैं, और इसीलिए वो लालू यादव जी से मिलने गए, राबड़ी यादव जी से मिलने गए, और अब दिमाग में खेसारी लाल यादव जी के दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे आरजेडी से टिकट मिल जाए, और आरजेडी से टिकट अगर मिल जाता है खेसारी लाल यादव जी को तो उनको तो जीतना एकदम निश्चित है, जहां से खड़ा होंगे वहां से जीत जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिरकार आरजेडी खेसारी लाल यादव को टिकट देगी तो कहां से देगी, तो ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, ये तब खुलासा किया जाएगा जब आरजेडी को लगेगा कि बीजेपी का यहाँ मतलब ऐसा पार्टी है जो जीतने नहीं देगा, बीजेपी का ऐसा पार्टी जो है यहाँ आरजेडी को जीतने नहीं देगा, बस वही जगह से खेसारी लाल यादव को खड़ा कर देंगे। तो ये राजनीति होता है। अब आते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, जैसा मनीष कश्यप ने बोला ही था कि विश्वासघात नहीं हुआ तो ही हम लड़ पाएंगे, तो विश्वासघात हो चुका है। मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। ये 100 नाम जो लिस्ट में जारी हुआ, मनीष कश्यप का नाम उसमें कहीं भी नहीं है। मनीष कश्यप को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अब मनीष कश्यप को बीजेपी टिकट नहीं देगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि अगर मनीष कश्यप मोतिहारी से खड़ा होंगे, बेतिया से खड़ा होंगे, तो भाई बीजेपी उनको टिकट क्यों देगी, वहां से तो पहले से ही दोनों जो सांसद वर्तमान के हैं दोनों तो बीजेपी के हैं, तो जीते हुए प्रत्याशी को हटा के मनीष कश्यप को क्यों टिकट देगी बीजेपी, मनीष कश्यप को वहां पर यूज करेगी बीजेपी। हाँ, यूज करेगी, वहां पर यूज करेगी मनीष कश्यप को जहां पर उनका बीजेपी से जो उम्मीदवार खड़ा हुआ वो हार जाता हो बार बार, तो वहां ना मनीष कश्यप को टिकट देगी बीजेपी। तो फिलहाल मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि मनीष कश्यप को बीजेपी कहीं ना कहीं से टिकट दे देगी, जहां से बीजेपी को लगे कि मनीष कश्यप जीत भी जाएंगे और आरजेडी को या दूसरे पार्टी को हरा भी देंगे, तो उस जगह से बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे सकती है। और अगर बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट नहीं देती है तो बाद में मनीष कश्यप बाद में तो बोलवे किए है कि लड़ूंगा चाहे जो हो जाए, मतलब साफ है निर्दलीय लड़ेंगे भैया, मनीष कश्यप भी थोड़ा समीकरण बनाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, बाकी जनता के ऊपर है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो शख्स बिहार के भविष्य के बारे में सोचा उसको टिकट नहीं मिला, और जो इंसान शौक से बनना चाहता है कि हम सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, शौक से दिखाने के लिए कि मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, उसको टिकट दे दिया जाता है। गलती पार्टियां की भी नहीं है भाई, जनता भी वही है, जनता को भी मतलब क्या रहता है, जनता को मतलब है कि ये हीरो है, ये सेलिब्रिटी है, उसको वोट देंगे, कोई नॉर्मल है उसको वोट कला देंगे। जनता जिस दिन बदल गया ना उस दिन तो साला बिहार बदल जाएगा, लेकिन पता नहीं ये बिहार की किस्मत को कौन बदलेगा, हम या आप, या बर्बाद करेंगे कुछ लोग। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।